फिर एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आपको टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, आज आपको बता दूंगा मैं आईफोन हीट होता है जो हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसका सलूशन लेके आए हैं। भाई पबजी खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो तो उसके लिए आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आईफोन में खेलते जो हीटिंग होता है और गर्मी आने वाली है, बड़ी एसी तो लगवा नहीं सकते, उसके हमारे यहाँ पर कूलर के सामने बैठेंगे तो उसके सामने वॉइस कॉल नहीं सकेंगे, फिर कानों में एयरफोन होती है तो उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं आती। इस वीडियो पूरी देखना, इसमें मैं कवर करूँगा आपको बताने की, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, नॉर्मल है। इस वीडियो पूरी देखोगे समझ जाओगे और किस तरह से बनानी है, और मैं खुद खेल के भी दिखाऊंगा उसमें एक्सपीरियंस कैसा है बैटल ग्राउंड में। आप देखना, इस वीडियो को शुरू कर। आपको इस तरह की एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, या आपको कोई भी रिपेयरिंग वाला होता है ना, कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला, उसके पास चले जाना, वो दे देंगे आपको। और एक एक केस की जरूरत पड़ेगी आपको, कवर की, जो भी इस तरह का प्लास्टिक होना चाहिए, अलग से मत लेना कोई भी। एक चार्जर ले लेना जो भी आपके घर में ख़राब हो, ये जियो का चार्जर था, मैंने ये ले लिया। और एक आपको एलपी की जरूरत पड़ेगी, एलपी चाहिए आपको फैट की, ठीक है ना। फिर एक ब्लेड की कटिंग करनी पड़ेगी, अपने कटिंग करनी है, और आपको ये कटिंग करने के लिए चाहिए। और आपको एक इस तरह से इसको रख लेना है मोबाइल कवर के ऊपर ना, किसके ऊपर, और देख लेना। और साइड आपको चेक करनी है, हवा जोर से मोबाइल के अंदर की सड़क जाए उस साइड को रखना है। इस तरह से रखने के बाद आपको नाप लेना है, इसे नाप ले लेना है, नाप के इस पर निशान लगा के कटिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। मैं आपके सामने ये निशान लगा कटिंग कर देता हूँ, इसके ब्लेड खोल लेते हैं। ब्लेड खोल लिया, ओपन कर लिया, ठीक है, आराम से खोलना, हाथ वाथ में नहीं लगा लेना, कटिंग कर लेना। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, इसमें पहले निशान लगा लेना, मैं ब्लेड से निशान लगा लेता हूँ क्या पर जुगाड़ हुए हैं ये नहीं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं पर वैसे मैंने जो इसमें काम। और इस बार साइज से थोड़ा सा छोटा काटना है, कभी आप साइज से बड़ा काट लो या कम कर लो, थोड़ा छोटा काटना है, अपने साइज का निशान लगाओगे, उसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। अब इसकी पूरी कम्प्लीट इस तरह से निशान लगा लेना, पूरी कम्प्लीट कटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह से लेना। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, कटिंग करने के बाद एक बार आप इसको नाप के और देख लेना, इस तरह से नाप करना, वो सही है तो सही है तो ठीक है, इसी तरह रहने दो। जो इसका पेचे होते हैं, पेच लगे होते हैं, उनको खोल देना है आपको, खोल देने के बाद इस तरह से नाप लेना है जरूर इसको, फिर आपको देख लेना है कहीं से छोटा बड़ा ना हो या कुछ दिक्कत आ रही हो तो उसको काट देना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो। मेरे इसमें सही है, फिक्स से एकदम दोनों साइड से मैं फिक्स पकड़ लेता हूँ इसको, इसको फिक्स लगा देता हूँ। फिर आपको एलपी काटनी है, अपनी एलपी काटने के फेवक्यू काटने के बाद फेवक्यू को ओपन करना है, ओपन करने के बाद इसको चिपका देना है, कुछ नहीं करने का भी, सिंपल है, इसको खोल कर इसको चिपका देना, आराम से चिपकाना है, देख लेना हाथों हाथ से ना लगे एलपी। और अंदर की साइड ज़्यादा डालना क्योंकि अंदर की साइड चली गई तो मोबाइल पर इसके जा सकती है एलपी से ना, वो चिपक जाएगा, नहीं तो आपका दिक्कत आएगी उसके, फिर दाग वाग लग जाएगा फोन पर। उसका सेफ्टी भी आपको रखना है, मैं उसको भी हट गया, मैं थोड़ा थोड़ा किनारों पर डालकर फिर उसके सही से पकड़ लेना है ये, फिर थोड़ी देर में आप ही ऑटोमेटिक सूख जाएगा, ये मेरा पकड़ लिया है और सूख जाती है फेवक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान रहे आपने एक भी जगह इसकी छोड़नी नहीं, सारी जगह फेवक्विक लगा देनी है, सबसे अच्छे से चिपका देने, मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी, अभी अच्छे से चिपक जाएगा। इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं 10-5 मिनट के लिए, इसको सूख जाए, फिर आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा ये किस तरह से चलेगा। इसके इतने में वायरिंग कर देता हूँ, इसकी सूखी गई होगी वायरिंग, रेड में रेड लगा ली है और ब्लैक, क्योंकि उससे आपका मोबाइल का ये हवा डायरेक्ट सीधा जाएगा, उल्टा नहीं पंखा फिरेगा इसका, ठीक है। इस तरह से लगा लेनी है, आपको कोई टेप की जरूरत पड़े उस टेप को लगा देना है, ब्लैक वाला जोड़ दिया, ओपन करते हैं, ब्लैक वाला लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से लगाती है। अब आपको एक टेप की जरूरत पड़ेगी, उसको लीजिए, उसमें लगा दीजिए, वायर अच्छे से लगाना है वैसे आपको। Thank you.
अब आप देख सकते हो पंखा हो चुका है रेडी। इस तरह से आप भी घर बना सकते हो। मैं आपको मोबाइल में लगा के खेल के दिखाऊंगा, पूरा नहीं खेलूंगा पर आप खेलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी। चलिए अपने मोबाइल में लगा लेते हैं, जिस पल का इंतज़ार था वो भी इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। अपने मोबाइल में इसको लगा लेते हैं, मैंने पंखा ऑन कर रखा है ना। इस तरह से आप भी ऑन कर लेना, ये देख सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से खेल लें। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, अपना बैटल ग्राउंड ओपन करते हैं। ये आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा यार, खेला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे जो कैमरा है ना वो मेरे आंखों के सामने आ रहा है, उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख सकते हो पंखा चल रहा है और ठंडी हवा आ रही है, वो ज़्यादा भी तेज़ हवा नहीं है, नॉर्मल हवा है, मोबाइल के लिए बहुत है अपने के लिए ना। इस तरह से कर लेना। मैं अभी यहाँ टीडीएम में ओपन कर लेता हूँ और रहना खेलते हैं। आपको मेरी पबजी आईडी नीचे मिल जाएगी, पॉपुलर टीवी जो नंबर वन होगा उसको मैं अपनी आईडी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। पॉपुलरिटी देना भाई को घुमा के, ठीक है। इधर से आप देख सकते हो मैं ओपन हो चुका है, अब आपको मैं खेल के दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर एक और ऐसी न्यू वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके में वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ, एरर वेरर जो भी ऐप में आते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, इस प्रकार की मैं वीडियो भी लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट पार्ट में।